नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे साथ है नदीम सफ़र। हाय। आज हम बात करने वाले हैं नए ट्रेंड की, 48 मेगापिक्सल कैमरा। हर दूसरी कंपनी अब 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फ़ोन ला रही है। ऐसे में सबसे सस्ते फ़ोन की बात कैसे ना करें। हम बात कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो, जो 48 मेगापिक्सल के सोनी सेंसर के साथ आता है और ये सबसे सस्ता फ़ोन है जिसकी बिक्री 13 मार्च से शुरू होगी। ये फ़ोन कितना दमदार है, बाकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरे में क्या खास है, वाकई में 48 मेगापिक्सल क्या आपको बेस्ट इन क्लास फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है, इन सब सवालों का जवाब नदीम सरवर देंगे, क्योंकि उन्होंने इस फ़ोन के साथ हफ्ते भर का वक्त बिताया है। आइए नदीम से ही जानते हैं कि कैसा फ़ोन है रेडमी नोट 7 प्रो। नदीम, क्या कहेंगे कुल मिला के, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा 7 दिनों में आपका इस फ़ोन के साथ? आई थिंक रेडमी नोट 7 प्रो Xiaomi के रेडमी सीरीज़ का अब तक का बेस्ट स्मार्टफोन है और इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग अभी मार्केट में कोई स्मार्टफोन नहीं है। आप अगर इसकी डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें या फिर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, दोनों तरीके से रेडमी नोट 7 प्रो अपने कॉम्पिटिशन को काफ़ी अच्छे मार्जिन से ट्रम्प करता है। तो यानी इन्होंने बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात की, तो हम आपको इसकी कीमत बता देते हैं। इसके दो वेरिएंट हैं, एक 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ है जो 13,999 रुपये का है, और दूसरा वेरिएंट 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ है वो 16,999 रुपये का है। तो बात वैल्यू फॉर मनी की आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो शुरुआत इसकी स्क्रीन से करते हैं, जो 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। कैसा है स्क्रीन, है डिस्प्ले वाइब्रेंट क्रिस्प, किस तरह की उम्मीद करें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। इस डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की लेयर है जो इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की लेयर इसके रियर पैनल पे भी है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो वैसे इसका कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, सनलाइट लेजिबिलिटी सही है, बट इसका ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा कम है। और हमने नोटिस किया कि अगर आप इसे डायरेक्टली सनलाइट के नीचे यूज़ करते हैं तो आपको ब्राइटनेस यूजुअली 90% से ज़्यादा मार्कर पे रखनी पड़ेगी। एस्पेक्ट रेशियो क्या है नदीम इसका? इसका एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। हाँ। और फ़ोन के और साइड्स में और टॉप पोजिशन पे बेजल्स काफ़ी कम है, लेकिन इसका फ़ोन का चेन जो है वो उस पर बेजल्स थोड़ा सा थिक है। लेकिन मेनली अगर आप मीडिया के लिए इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहता है, मतलब कैसे मीडिया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस इस फ़ोन पे काफ़ी अच्छा है। और बेस्ट बात यह है कि आप इसका नॉच हाइड कर सकते हैं, तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई आप गेम खेल रहे हो तो नॉच आपकी स्क्रीन कॉन्टेंट को इंटरफेयर नहीं करेगा। सो ये अच्छी बात थी। और दूसरी बात कि डिस्प्ले का चूँकि क्वालिटी अच्छा है तो आप, और चूंकि इसका कलर रिप्रोडक्शन सही था तो इस पर हमें ज़्यादा कलर शिफ्ट्स नहीं देखने को मिलते, और अगर आप ग्रुप मूवीज़ और वीडियोस देखने की बात करते हो तो इस डिस्प्ले का व्यूविंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपके आसपास अगर कुछ फ्रेंड्स साथ मिलके वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें कलर शिफ्ट नहीं दिखेगा डिस्प्ले पर। तो आप डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तो हम लोग इसके एक और स्पेशल फीचर की तरफ चलते हैं। इसमें 2 GHz ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, तो कैसी थी डे टू डे परफॉर्मेंस, कैसी रही इस फोन की? प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और लास्ट टाइम हमने ये प्रोसेसर देखा था वीवो V15 प्रो में, जिसका प्राइस रेडमी नोट 7 के स्टार्टिंग प्राइस से लगभग दो गुना है। और उस फ़ोन के परफॉर्मेंस में हमने एक चीज़ नोटिस की कि कोई स्टटर नहीं था, कोई लैग्स नहीं था, मल्टीटास्किंग करने में भी काफ़ी आसानी थी और गेमिंग करने में भी काफ़ी आसानी थी। हमें थोड़ा सा डाउट था कि स्नैपड्रैगन 675 स्नैपड्रैगन 710 के कंपेयर में कैसा चलेगा, बट रेडमी नोट 7 प्रो के परफॉर्मेंस में हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो सबसे हाई एंड गेम्स होते हैं, ग्राफिक्स, हाई ग्राफिक्स वाले गेम जैसे पबजी मोबाइल, मॉडर्न कॉम्बैट 5 या असफॉल्ट 9, ये सभी गेम्स बाय डिफ़ॉल्ट हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पे चल रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन थोड़ा सा हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, वो इस वजह से क्योंकि इस फ़ोन का GPU उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो स्नैपड्रैगन 710 में है या स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के प्रोसेसर में है। वैसे इन जनरल यूसेज हमें स्नैपड्रैगन 675 के परफॉर्मेंस से कोई कमी महसूस नहीं लगी इस फ़ोन में। तो परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सॉफ्टवेयर का भी होता है, तो इसमें एंड्रॉयड 9 पाई पे आधारित MIUI 10 है। तो नदीम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने पहली बार MIUI 10 एंड्रॉयड 9 पाई पर यूज़ किया होगा, जी, जी, तो कैसा अनुभव रहा आपका इसका? जी, MIUI 10 का अनुभव रेडमी नोट 7 प्रो पे कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है MIUI 9 के कंपेरिजन में, बट हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की कि
अभी भी मी यू आई 10 में एड्स काफ़ी हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत हमें मी यू आई 10 से यही लगी, वरना मी यू आई 10 में कुछ कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सेकेंडरी स्क्रीन एक काफ़ी अच्छा फीचर है और कुछ इसमें कस्टमाइजेशन फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हर जगह हमें जो एड्स देखने को मिलते हैं वो एक्सपीरियंस को बहुत ख़राब करते हैं। जैसे कि आप अगर प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करो या किसी थर्ड पार्टी ऐप रिपोजिटरी जैसे कि APK मिरर से आप कोई ऐप डाउनलोड करो, तो हर बार ऐप इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे मुझे एड्स देखने को मिलते थे। और उसके बाद फ़ोन में Xiaomi के काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी आते हैं, जैसे मी सिक्योरिटी, मी म्यूज़िक, मी वीडियो, इन सभी ऐप्स में भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल भी यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ नहीं है। हमें मैनुअली पर ऐप में जाके उनका जो ऐड रिकमेंडेशंस का टॉगल होता है उसे डिसेबल करना पड़ा था, मतलब तब जाके हमें ऐड से निजात मिली थी। तो ये तो सॉफ्टवेयर की शिकायत है जो मी यूआई को लेकर कई दिनों से कई यूजर्स करते आए हैं कि अब बहुत ज्यादा एक तरह से स्पैमिंग चल रहा है, आपको परेशान करता है वो। अब इसके सबसे अहम फीचर की बात, यानी इसकी USP 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसको लेकर कंपनी जोर शोर से प्रचार कर रही है और एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को उम्मीद है कि फोन इसी कारण से बिकेगा भी बहुत ज्यादा। तो इसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर यूज हुआ जी, है IMX586। तो क्या, और इसके साथ ये डुअल रियर कैमरा सेटअप है पिछली तरफ और दूसरा 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है इसमें, तो कैसे मतलब कैसी परफॉर्मेंस है 48 मेगापिक्सल वाकई में, क्या मतलब सिर्फ आंकड़े हैं या वाकई में परफॉर्मेंस वैसी है? इससे पहले मैं परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, मैं फर्स्ट थिंग ये क्लियर करना चाहता हूं कि यह सोनी IMX586 सेंसर है। दूसरा स्मार्टफोन वीवो V15 प्रो, उसमें भी 48 मेगापिक्सल सेंसर कैमरा है, बट उसका सेंसर सैमसंग GM1 है, और Xiaomi Redmi Note 7 Pro का जो सेंसर है वो सोनी IMX586 है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सेम है, बट परफॉर्मेंस, डे टू डे परफॉर्मेंस सोनी IMX586 प्रो की अच्छी है। अगर Xiaomi Redmi Note 7 Pro के ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ़ोटोज़ में डेप्थ काफ़ी अच्छी होती है, फ़ोटोज़ में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस प्राइस रेंज में मैंने अब तक किसी कैमरा में इतनी अच्छी डेप्थ रिप्रोडक्शन नहीं देखी या इतनी अच्छी डायनामिक रेंज नहीं देखी जो Redmi Note 7 Pro के कैमरा से हमें मिलती है। और क्या कहते हैं, लैंडस्केप मैक्रोज इन शॉट्स को लेकर आपका क्या मतलब अनुभव रहा? डे लाइट शॉट्स इन जनरल काफ़ी अच्छे आते हैं, उनमें डिटेल्स और डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी होती है, बट जहाँ तक मैक्रोज की बात है Redmi Note 7 Pro का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि मैक्रोज में यूजुअली हम ये देखते हैं कि स्मार्टफोन्स कलर को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करते हैं, Xiaomi Redmi Note 7 का कैमरा कलर्स को थोड़ा सा ओवर ब्लो करता है, बट वो टेक्स्चर कलर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करता है। और अगर आप इमेजेस को जूम करके देखें, चाहे वो 12 मेगापिक्सल पे ली गई हो या 48 मेगापिक्सल पे ली गई हो, आपको फ़ोटोज़ में ग्रेडियंट और डेप्थ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो इस फीचर इस प्राइस रेंज में या इस सेगमेंट में किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा से आप इतनी ज़्यादा हाई डिटेल फोटोज़ नहीं ले सकते। नदीम, आपने इसके रियर कैमरे की परफॉर्मेंस के बारे में तो बताया, इसका सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब हम लोग कितना उत्साहित हों इस चीज़ को लेकर? मैं इतना कहना चाहूँगा कि Xiaomi Redmi Note 7 Pro का सेल्फी कैमरा अपने क्लास में काफ़ी अच्छा है। हाँ, इट इज़ ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में आता है, अगर ये सबसे बेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। फोटोज़ की क्वालिटी की बात करें तो उनमें कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, एज डिटेक्शन भी अच्छा आता है, डायनामिक रेंज भी है फ़ोटोज़ में, लेकिन हमने नोटिस किया कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप अगर सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओवर ब्लोन हो जाते हैं कलर्स, और कुछ एज डिटेक्शन फॉल्टर करता है वहाँ पे। तो मतलब वो आमूल मतलब प्राइस रेंज को देखते हुए जो शिकायतें आपकी होती हैं वो कमी इसके सेल्फी कैमरे के साथ थोड़ा बहुत है, जो एज डिटेक्शन और ये सारी बात आप कह रहे हैं। अब इसके एक और पहलू की ओर चलते हैं जो Xiaomi Redmi Note सीरीज के फोन का मजबूत पक्ष माना जाता है, वो है बैटरी। इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, तो कैसा मतलब कितना बेफिक्र रहना चाहिए चार्जिंग को लेकर, क्योंकि इसमें क्विक चार्ज सपोर्ट भी है, और क्या इसके साथ आपको फास्ट चार्जर मिलता है या नॉर्मल चार्जर Xiaomi दे रही है? नहीं, इस फोन में क्वालकॉम की क्विक चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, बट Xiaomi का बंडल जो रिटेल बॉक्स में चार्जर आता है वो सिर्फ 10 वाट का है, और अगर आपको क्विक चार्ज 4 की स्पीड का फ़ायदा उठाना है तो आपको सेपरेटली एक 15 वाट का चार्जर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, यानी वो अलग से खर्च है आपके लिए अगर जी। बैटरी कितना साथ निभाती है आपका, आम इस्तेमाल में कितना चलेगी ये?
4000 mAh बैटरी तो वैसे आपका अगर रेगुलर यूसेज है, अगर आप गेमिंग भी करते हो, वेब सर्फिंग, वीडियोस देखते हो, तो आपका फुल डे यूसेज आपको आसानी से 4000 mAh बैटरी पे मिल सकता है। बट शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो में हमने एक चीज़ देखी कि इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है, और मैं चूँकि हैवी यूसेज करता हूँ फ़ोन का, बट मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुआ जब मैंने इसे एक हफ्ते यूज़ किया फ़ोन को, और रेगुलरली मैंने पाया कि एट द एंड ऑफ द डे फ़ोन में लगभग 10 से 15% बैटरी बची हुई थी। और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हमने हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये फ़ोन 19 घंटे 23 मिनट चल गया, जो कि अपने क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाँ, है। मैं इस तरह का आंकड़ा मुझे भी पहले कभी सुनने को नहीं मिला है, 19 घंटे 23 मिनट। तो ये तो सारे अहम पक्ष पहलू हैं इस फोन के, जो इस फोन को एज ओवरऑल एक पैकेज बनाते हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में? ये अपने कॉम्पिटिशन सैमसंग गैलेक्सी M30 या फिर किसी और ब्रांड के फोन की तुलना में कितना दमदार है, कितना आगे है? देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रेडमी नोट 7 की बात करूँ बिना किसी कंपटीशन के जिक्र किए हुए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, फ़ोन काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, गोरिल्ला ग्लास 5 दोनों साइड्स पे, काफ़ी फास्ट प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस अपनी क्लास में। सो ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा कि शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो अपने सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस वाइज भी, और ऑन पेपर अगर आप इसका हार्डवेयर कंपैरिजन करें उस हिसाब से भी। बट हाँ, इससे थोड़े निचले प्राइस रेंज में आपको कुछ और स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे Realme 3 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और Realme U1 है, सैमसंग के गैलेक्सी M30 जैसा आपने बताया, उसके भी जैसे उसमें ट्रिपल कैमरा है, कुछ उसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, बट अगर आप ओवरऑल कंसिडर करो तो रेडमी नोट 7 प्रो सबसे बेस्ट है। 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले रेडमी नोट 7 प्रो में कितना दम है? इसी सवाल का जवाब नदीम ने देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि रेडमी नोट 7 प्रो खरीदने से पहले ये जानकारियां आपके काम आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।